मैना देवी बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्वर्गीय उग्रसेन सिंह श्रीनेत के स्मृति में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी जोन अखिल कुमार ने स्वर्गीय उग्रसेन सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस कबड्डी प्रतियोगिता में 8 विद्यालय के टीमों ने प्रतिभाग किया तथा फाइनल मैच में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और मैना देवी इंटर कॉलेज की टीम के बीच मुकाबला हुआ। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की टीम शुरू से ही मैना देवी इंटर कॉलेज की टीम पर हावी रहा और अंत में बढ़त बनाते हुए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की टीम ने फाइनल मैच जीता। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडीजी जोन अखिल कुमार ने विजेता तथा उपविजेता टीम को कप और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। इस अवसर पर मैना देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मंजू सिंह, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल गठित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गोरखपुर श्री अखिल कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हम आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करेंगे कि श्रीमती मंजू सिंह जी मंच पर उपस्थित है। बिना विलंब किए मैं श्रीमती मंजू सिंह जी से अर्पण है और चित्र में पुष्पांजलि कृपया कर स्थान कर ले जाए। स्वर्गीय उग्रसेन सिंह ने आचार्य श्रीमती प्रेमलता सिंह जी से निवेदन करूंगा। मैं माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा दो शब्द अपने कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे साथीगण अरुणेश शाही जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी, श्रीमती मंजू सिंह जी जो धर्मपत्नी रहे, ये मैंने देखा कि मेरे को काफ़ी जीवन में इसमें मदद किया है। व्यक्तिगत जीवन में मैंने मदद किया है, प्रोफेशनल लाइफ में मदद किया है, खेल कई चीज़ सिखाती है, जैसे कबड्डी का खेल है, साथ खिलाड़ी ग्राउंड में उतरे हुए हैं एक साथ, वो कैसे समन्वय बनाए, खेल अकेले खिलाड़ी का नहीं होता, समन्वय का खेल होता है, और वो सात खिलाड़ी जब समन्वय बनाकर खेलते हैं तो एक या दो खाली खिलाड़ी पे भी फाइट बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, जो एक खेल सिखाता है। दूसरी चीज जो खेल हमेशा मैं कहता हूँ कि खेल का सबसे बड़ी चीज है कि हारना सिखाता है। आप हार को कैसे कोपअप करेंगे, विषम परिस्थितियों में जब आदमी मेहनत करता है उसके बाद भी हारता है तो उस प्रेशर को आप हैंडल करते हैं, वो चीज आपको सिखाती है। वरना छोटी छोटी चीजों में आप देखते हैं, आप सुनते होंगे बच्चे छोटी छोटी चीजों को कोप अप नहीं कर पाते, एग्जाम में नंबर आ गया, आत्महत्या कर गया किसी ने, कुछ ऐसे घर से भाग गया। खेल इन सब चीजों से आपको मजबूत करता है, खिलाड़ी को विचलित नहीं होता विषम परिस्थितियों, क्योंकि वो उतार चढ़ाव की जिंदगी को जीना उसको अच्छी तरह मालूम है, उसको ये मालूम है कि आज मैं हारा हूँ तो कल जरूर जीतूंगा। बहुत अच्छा।
पहले तो उग्रसेन सिंह जी जिनकी स्मृति में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है प्रतिवर्ष, ये काफ़ी काबिले तारीफ है। स्पोर्ट्स खास करके कबड्डी जैसा खेल जो ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवानों की से काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ खेल है, उसको उन्होंने प्रोत्साहन दिया है और उस प्रोत्साहन के तहत प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता यहाँ होती है और उसी के कार्यक्रम उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मेरा सौभाग्य है कि मैं आया हूँ और नौजवान खिलाड़ी जो हैं उनके साथ मिला हूँ और उनके साथ ये खेल देखने का मौका मिला। मैं अभी इनसे बात करते हुए ही कह रहा था कि ये खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए खेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये कई चीज़ें हमें सिखाती है, कई दिशाओं में हमें मजबूत बनाती है। मैं एक कार्यक्रम आयोजकों को जो इस कार्यक्रम को किया है उनको, जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उन सभी को बधाई देता हूँ कि वो पूरे मनोयोग से इस पे लगे रहें और भविष्य में अच्छा करें।